भाई लोग, हमारा सफर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। हम मुंबई जा रहे हैं, बम्बई ब्लॉक। हम लोग अहमदाबाद एयरपोर्ट पर है और हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। हम लोग निकल रहे हैं मुंबई के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम लोग एयरपोर्ट लॉन्च में आए हैं और अमीन भाई यहाँ पे क्या लिया भाई आपने? फ्रेंच फ्राइज लिया है। अकील भाई वहाँ से कुछ ले रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सैंडविचेस है, चाय कॉफ़ी और दूसरा यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेशमेंट का भी सीन है, स्मूदी हैप्पी वाटर बॉटल। अभी हमारे बादशाह भाई क्या खाया भाई आपने? हैप्पी भी ओके। अमीन भाई सब कैसा है भाई? सही है भाई, बस आप दुआ करना हमारा आगे का जो सफ़र है वो आसान हो। और दूसरा आगे के ब्लॉग में हम आपको आगे का मुंबई का जो जो है वो सब बताएंगे आगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो फाइनली वी आर रीच एट मुंबई। भाई कैसा रहा सफर? खीमा और यहाँ का जो फेमस है मटन खीमा वो खाना है। तो अभी हम लोग यहाँ होटल साहिल में आए हैं, हमारे अमीन भाई बाकी सब लोग अभी अंदर जा चुके हैं। ये बिल्कुल जमजम होटल है, हिंदुस्तान उसके बाजू में है। और यहाँ पे आप सेटअप देख सकते हो किस तरह का सेटअप होता है। क्या भाई खैरियत से भाई? यहाँ पे आप देख सकते हो ये पराठे का सेटअप है पूरा। यहाँ पे चपाती और पराठे बन रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये कीमा है, ये बॉम्बे का फेमस कीमा। फुल सेटअप हो रहा है भाई, अभी हम आपको बताएंगे आगे की वीडियो में इसका टेस्ट कैसा है क्या है, तो स्टे ट्यून गाइस। देख सकते हो आप हमारा कीमा और अंडा भुर्जी आ चुका है और पराठा भी साथ में आ चुका है। आप देख सकते हो किस टाइप का सेटअप है और अभी हम टेस्ट करके बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है। सबसे पहले हम कीमा खाएंगे, चेक करिए आप। बिस्मिल्लाह, सही है भाई? क्या भाई कितना है? सही है। अब हम अंडा भुर्जी चेक करेंगे इसका टेस्ट कैसा है। फुल सेट होगा भाई। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, भाई ये एक स्वीट शॉप है सुलेमान उस्मान, मुंबई की काफ़ी फेमस शॉप है और यहाँ पे तकरीबन काफ़ी जात की अलग अलग मिठाइयाँ बनती है। अभी हम इनके शॉप पे आए हैं और यहाँ पे फुल सेटअप चल रहा है भाई। मुंबई की सौगात कहते हैं सुलेमान उस्मान, जात जात के हलवे, ऑरेंज हलवा है, पाइनएप्पल है, चिलगोजा, बटर स्कॉच और यहाँ का एक अफलातून है, ये हमको अभी टेस्ट करवा रहे हैं। और भाई सुलेमान उस्मान आप? अच्छा अच्छा भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। टेस्ट बढ़िया एकदम, मुंबई दर्शन के लिए निकले हैं और ये हमारा फर्स्ट स्पॉट है हाजी अली दरगाह। और यहाँ का भी आप आसपास मंजर देख सकते हो, बिल्कुल एकदम वीआईपी सीन है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?
हम भी आपके लिए दुआ करेंगे आज अली दरगाह में, तो जो ये वीडियो देख रहे हैं अल्लाह उसको खुश रखे, सलामत रखे। भाई चेक करिए भाई, चेक करिए लेवल, चेक करिए भाई, क्या वीआईपी सीन है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ओए होए 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 भाई, मौसम भी एक नंबर, एक नंबर वीआईपी मौसम है भाई। यहाँ पे भाई लोग का फुल सेटअप चल रहा है, फोटो वोटो का। तो भाई अभी आप देख सकते हो, अभी हम लोग सीलिंग ब्रिज पर है और काफी खूबसूरत नजारा है और मौसम भी। सिलसिला ये है कि अभी हम लोग मखदूम माहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में है और अभी हमारा लंच का थोड़ा सेटअप है, तो अभी यहाँ करीब में ही पास में ही उनके दरगाह के आस्थाने के पास में एक शॉप है सैफ्रन रेस्टोरेंट, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे खाना काफ़ी लजीज होता है, हमको दो तीन जन ने रिकमेंडेड किया था। आप चेक कर सकते हो किस टाइप का सेटअप है, यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह भी रहता है और साथ में काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, शावरमा है। कितने का रहता है भैया? अच्छा, इसका प्राइस जो है 90 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। अब जैसा जैसा शावरमा लोगे वैसा इसका प्राइस रहेगा और काफ़ी बेहतरीन किस्म का और काफ़ी अच्छा टेस्ट रहता है इसका। अभी हम लोग ऑर्डर करके मंगाएंगे और आगे बताएंगे खाना कैसा है, क्या है, इसका रिव्यू हम देंगे। ओके, सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या भैया खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप बता सकते हो आपकी शॉप क्या है, कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से अपनी शॉप है। अच्छा, और हमने शालीमार भिंडी बाज़ार से, हम लोगों ने वहाँ से सीखा है, वो हमारी स्कूल थी, कॉलेज जो भी थी, यूनिवर्सिटी थी, उसके बाद से हम लोग यहाँ आके स्टार्टअप किए, बिल्कुल न्यू स्टार्टअप किए और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम लोगों को माहिम में जो है ना एक ब्रांड के नाम से लोग जानते हैं। बिल्कुल, जो भी बाहर से, एक वक्त था कि लोग ज़ाहिरीन आते थे दरगाह में, लोग बोलते थे खाना कहाँ खाए, यहाँ कहीं अच्छा खाना नहीं मिलता था। बिल्कुल, आज लोग आगे सैफ्रन रेस्टोरेंट है नाम और बिल्कुल आस्थाने के पास में ही है, तो आप मस्ट बी रिकमेंडेड, आप यहाँ पे आइए और खाना खाइए और आगे शेयर करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। हाय गाइस, गाइस अभी हम देख रहे हैं, देखते हैं यहाँ की फेमस है, सबसे अच्छी चीज क्या है इस रेस्टोरेंट की, खास चीज आप पीछे एसी है, वो बहुत जरूरी है इतनी गर्मी के अंदर, एसी मिल जाना। भाई फुल सेटअप है भाई, यहाँ का स्पेशल जमजम राइस। चेक करिए भाई, चिकन टिक्का अपना यूं खावे।
वालेकुम भाइयों। तो अभी सीन ये है कि हम सबको भूख लगी है और रात का डिनर अभी हम लोग मीनारा मस्जिद का कर रहे हैं और अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे मीनारा मस्जिद के पास और आसपास का जो माहौल है वो आप देख सकते हैं। भाई अभी हम लोग ये चिकन सीख कबाब चखेंगे, चेक करेंगे कैसा है, टेस्ट कैसा है। सही है भाई, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। बिस्मिल्ला, हिंदुस्तान होटल के एग्जैक्ट सामने ही है। गाइस अभी हम लोग बुरहानपुर मावा जलेबी खा रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। गर्म होगी भाई, वाह वेरी वाह। भाई अभी हम लोग आए हिंदुस्तान रेस्टोरेंट में जो है मीनारा मस्जिद के एग्जैक्ट सामने और अभी हमने मुर्ग मुसल्लम मंगाया है, आप चेक करिए। और अभी हम एक हिवाला लेंगे और आपको बताएंगे कैसा है इसका टेस्ट, चेक कर सकते हैं। एक और आइटम ही पहुँचती है, ये हमने मंगाई है चिकन हांडी, ये भी हम टेस्ट करके आपको बताएंगे। ये कैसी है? ये अच्छी है, सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा है। ये चिकन हांडी हम खा रहे हैं, आना चाहिए। और अभी हम लोग यहाँ पे मोहब्बत का शरबत पीने आए हैं और साथ में हम लोग टेस्ट करेंगे सीताफल का जूस जो भी इनकी नई वैरायटी है और बिल्कुल मीनारा मस्जिद के नीचे ही है। मैं बताऊँ आपको किस तरह वो बनता है, टेस्टिंग किया है देख लो। करने के लिए भाई ने ये टेस्ट करने के लिए अभी भाई ने लिया है सीताफल। समीर भाई कैसा है? अमीन भाई को तो सप्पा लगा दो भाई, फुल वीआईपी है। गाइस यहाँ पर अभी सीताफल का जूस बन रहा है, आप देख सकते हैं। अरे भाई ये क्या है? ये सीताफल है, ये सीताफल है मावा। भाई आप देख सकते हो काफी वीआईपी सीन लग रहा है और फुल क्रीम डाला जा रहा है। इनके यहाँ काफ़ी और जात जात के जूसेज है जो आप आकर आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी सीताफल का मंगवाया। गिरगांव चौपाटी इसका नाम है और यहाँ पे हमको फुल सेटअप मिलेगा चटाई वटाई का, और यहाँ पे चौपाटी के आगे हम लोग चटाई वटाई बिछा कर वहाँ पे हम लोग आराम करेंगे। तो स्टे ट्यून गाइस, हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हो मेरे पीछे दरिया की लहरें आ रही है और अभी हम इसके करीब में ही चटाई का सेटअप होगा और हम लोग यहाँ पे रेस्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा मतलब काफ़ी थकान जो है हमारी यहाँ पे उतरने वाली है। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया, अभी हम आपको बताएंगे आगे के व्लॉग में। तो भाई लोग ये है गेट ऑफ इंडिया। तो भाई लोग हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली गेटवे ऑफ इंडिया। ये
हमारे बादशाह भाई फोटो खिंचाते हुए एकदम अलग सी पोज देते हुए। अमीन भाई, इकराम भाई, हाँ भाई, भाई आप देख सकते हो, चेक नहीं कर सकते, चेक करिए आप, चेक करिए। और इसी के साथ हम ये ताज होटल, अमीन भाई जरा बताइए आप ताज होटल। सीन ये है कि अभी हम लोग बोटिंग कर रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया में, और अभी ऊपर जाने का चार्ज एक्स्ट्रा है, तो अभी ये लाइन है ऊपर। अभी हम लोग बोटिंग कर रहे हैं और अभी हम चार को जगह मिल गई, वो दो लोग जो आपको दिख रहे होंगे वो खड़े। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गाइस चेक करिए आप, चेक करिए। तो गाइज अभी हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया से रवाना होके FS मार्केट जा रहे हैं, फैशन स्ट्रीट। और अभी हमने टैक्सी की है, FS मार्केट में मतलब शॉपिंग के लिए काफ़ी अच्छा मार्केट है। आप मुंबई आए तो ज़रूर जाए FS मार्केट। तो भाई अस्सलामुअलैकुम, अभी हम लोग आए फैशन स्ट्रीट और हमारे अखिल भाई और समीर भाई की फरमाइश थी कि चाय पिए, और सुबह से हमने नहीं पी थी और अभी हमने फैशन स्ट्रीट आकर चाय पी है, और इसके बाद हमारा शॉपिंग का सिलसिला रहेगा जो हम आपको आगे बताएं। चाय के भाई लोग, तो भाई लोग अभी हमारे दो तीन लोग को चक्कर आ रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेशमेंट का चल रहा है, नींबू पानी हम लोग पी रहे हैं। वो एक तो गिरते गिरते बचा हमारा एक जो है भाई, नाम नहीं ले सकता, यहाँ के चाचा बहुत फेमस है, वो सिर्फ 10 रुपये रेट है यहाँ का इनका, आइए कभी और यहाँ पर पिए इनके लिंबू पानी। हमारे बादशाह भाई गिरते गिरते बचे, बादशाह भाई को लिंबू पानी दो। भाई ले लो, हमने तो पिए ना, वाह अच्छा एकदम बिल्कुल। भाई अभी हम लोग काफ़ी थक चुके हैं, अब हमारा प्लान ये है कि अभी हम ये सब शॉपिंग करा जो भी है वो होटल में रखेंगे और वहीं से हम लोग आराम करेंगे। एक जगह है वो हम आपको आगे बताएंगे, मरीन ड्राइव में एक पॉइंट है वहाँ पे हम मस्त आराम करेंगे, वो आगे के ब्लॉग में आपको बताएंगे। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून, बी विद मी। मैं तेरी मजबूर हो गया, ओ सनम मोहब्बत की कसम, जान की कसम।
भाई अभी हम लोग शाहरुख खान के घर पे है, बेंच स्टैंड आप चेक कर सकते हैं। अभी हमारे समीर भाई अंदर जा के आए और इनको कुछ दिखा, भाई बताएंगे क्या दिखा अंदर। अभी फिलहाल मैं यहाँ से आया था। अच्छा हाँ, वहाँ से पीछे के साइड शाहरुख खान की खुद वाइफ, हाँ, कपड़े सिखो रही थी, गौरी खान कपड़े सिखो रही थी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? बरोबर है। और सुहाना क्या करती थी उनकी लड़की? वहाँ पर बर्तन मांज रही थी। बड़ा हरामी हो बेटा। नहीं क्या कर रहे थे शाहरुख भाई को देखा क्या आपने? कुकिंग कर रहे थे, मैगी कुकिंग मैगी बना रहे थे, भूख लगी थी। अच्छा उनको, ओके भाई, फुल VIP जगह है ये। चलो जोक्स अपार्ट, बट अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो बांद्रा का सबसे खूबसूरत इलाका है और यहाँ पे ज़्यादातर सेलिब्रिटी के घर यहीं पे आपको मिलेंगे और ताज होटल भी पास में ही है, करीब में ही है। और थोड़ा आगे यहाँ से जाएंगे आप, यहाँ से सीधे आप जाओगे तो सलमान खान का जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है वो भी यहीं से आएगा और पास ही में ही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो भाई अभी हम लोग यहाँ सीलिंग ब्रिज, भाई ये वही जगह है जहाँ पे वांटेड पिक्चर की शूटिंग हुई थी। ये चेक कर सकते हो भाई, यहीं पे वांटेड पिक्चर की शूटिंग हुई थी। सलमान भाई हमारे वांटेड पिक्चर में आए थे। अब अल्लाह का शुक्र है, काफी मजा है। और हमारी फ्लाइट है 12:30 ठीक है, और अभी तकरीबन बज रहे हैं 8:45 ठीक है। तो सीन ये है कि अभी हम लॉन्च में जाएंगे, एयरपोर्ट लॉन्च होते हैं हमारे, तो वहाँ पे जाके हमारा थोड़ा डिनर का सेटअप है, तो वहाँ जाके हम लोग खाना वाना खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो ये है हम मुंबई एयरपोर्ट लॉन्च, और यहाँ पे खाने का सेटअप कुछ इस तरह है। सबसे पहले है चिकन सैंडविच जंगली, फिर यहाँ पे चिकन कैफ्रियल आप चेक कर सकते हो, फिर ये है चिकन साग वाला, फुल सेटअप है भाई। इधर वेज राइस है, इधर मलेशिया वेज करी, पंजाबी शाही पनीर, पापड़ वगैरह है ठीक है, एक ग्रीन चावली की सब्जी मराठी, ये दूधी चना दाल ठीक है, ये राइस है, ये कुछ बटर है ठीक है, और यहाँ पे टी वगैरह सब उसका सेटअप है। ए हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, प्यारो, थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि हम एयरपोर्ट पर भी आ चुके हैं, इसी के साथ अभी टाइम हो रहा है 11:30, हमारी 4 घंटे डिले हो चुकी है फ्लाइट। 8 बजे हम यहाँ पर एयरपोर्ट पर आए थे,
और हमारी थी फ्लाइट 10 बजे की, उसकी जगह 2 घंटे और हो गए। देखते हैं अब क्या है, होता है। आज सर भी ऐसे लग रहे हैं कि और डिले होने के, लॉन्च है हमारे पास तो कोई दिक्कत है नहीं। शाबाश बेटा,